मैजिकल बैटरी वाटर पंप। वो संबलपुर नाम का गांव था। वो बहुत ही सुनसान गांव था। खेत में पानी सरफरा करने के लिए वहां मौजूद पुराने डीजल पंप से ही पानी को सप्लाई करते थे। एक बार एक किसान अपने खेत को पानी देने के लिए डीजल पंप को चलाया। पंप में से पानी आने लगा। थोड़ी देर बाद पंप अचानक से रुक गया। ये क्या, पंप रुक गया है? शायद डीजल खत्म हो गया होगा, सोचकर पंप सेट को रिपेयर करने की कोशिश किया। बहुत कोशिश करने पर भी वो चालू नहीं हुआ। बाप रे, ये पंप सेट जमींदार जी का है, अगर ये खराब हुआ तो इसके पैसे मुझे ही देने होंगे, सोचकर पंप सेट को रिपेयर करने के लिए फिर से कोशिश किया, मगर तब भी वो रिपेयर नहीं हुआ। वो दूसरे किसानों से, रे पंप सेट खराब हो गया रे, कितना भी कोशिश करने के बाद भी वो चालू नहीं हो रहा है रे। अरे ये कोई नई बात नहीं है रे, ये पंप सेट महीने में एक बार तो भी खराब होता ही रहता है। पहले वो जमींदार को इस पंप सेट के किराए को कम करने के लिए बोलना होगा। हम वो पंप सेट को किराए के साथ साथ उसके रिपेयर की खर्चा को भी हम ही दे रहे हैं। एक नए मोटर पंप को खरीदने के लिए बोलना होगा, सोचकर सब लोग जमींदार के पास पहुँचे। किसान जमींदार से, श्रीमान आप एक नया पंप सेट खरीद कर दीजिए, हर महीने ये पंप सेट का खर्चा बहुत बढ़ रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम खेत को समय पर पानी नहीं दे पा रहे। नया पंप सेट खरीदना है तो मामूली बात नहीं है रे, खर्चा बहुत होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अब से आप हर महीना 1,000 रुपए दीजिए, मैं ही नया पंप सेट खरीद कर दूंगा। ये अन्याय है, हमारे पास से ही पैसे लेकर हमें ही नए पंप दिलाओगे क्या, और उसका किराया भी हमें ही भरना होगा ना, ये तो बहुत अन्याय है जी। क्यों रे, न्याय क्या है और अन्याय क्या है ये तुम मुझे सिखाओगे? पहले वो पुराने पंप सेट के पैसे भरो, पूरे मिलाकर 50,000 हुए हैं, पैसे दो, कहकर गाली देने लगा। किसान अब कुछ नहीं कर पाए और वहाँ से चले गए। गांव में नवीन अपने पिताजी को उदास बैठे हुए देखकर, पिताजी क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? पिताजी तब जो हुआ वो सब बताया। ठीक है पिताजी, वो बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसे कैसे हल करना है मुझे अच्छे से पता है, कहकर उस रात बहुत सोचकर एक बैटरी की मदद से एक छोटा सा वाटर पंप तैयार किया। वो पंप को एक साइकिल के पीछे फिक्स किया। अगले दिन खेत में वो बैटरी पंप को साइकिल के साथ अपने पिताजी के पास लाया। बैटरी पंप को देखकर पिताजी आश्चर्य हो गए। ये क्या है रे? ये एक इलेक्ट्रिकल बैटरी वाटर पंप है पिताजी, एक बार चार्ज किए तो बस 12 घंटे तक ये मोटर बिना रुके चलता ही रहेगा। अब से ये वाटर पंप को आप किसी भी खेत के पास ले जा सकते हैं, एक जगह पर रखने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ ये पंप को ले जा सकते हैं, सभी खेतों को ये पानी सप्लाई कर सकता है। शाबाश बेटा शाबाश, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, कहकर बेटे की तारीफ करने लगा। तब से सारे किसान वो बैटरी पंप को ही इस्तेमाल करने लगे। ये बात पता चलते ही जमींदार, अरे बाप रे, ये सब तो वो नवीन के बनाए हुए बैटरी पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, अब वो बैटरी पंप को कैसे चार्ज करेगा, मैं भी देखता हूँ, सोचकर रातों रात ट्रांसफार्मर के पास जाकर वहाँ के वायर्स को कट किया। अगले दिन सुबह बैटरी चार्ज हुआ कि नहीं ये देखने के लिए नवीन आया। ये क्या, बैटरी चार्ज नहीं हुए, वैसे भी 12 घंटे करंट रहता है ना, फिर भी करंट क्यों गया? सोचकर देखा तो ट्रांसफार्मर के पास करंट के वायर्स कट होकर दिखे। नवीन को सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, सोचकर सोलर वाटर पैनल्स को तैयार करके वो वाटर पंप को फिक्स किया। अब देखता हूँ, कल तक तो वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा था, अब ये सोलर है वो सूरज को कैसे रोकेगा, सोचकर सोलर वाटर पंप को तैयार करके रखा। ये बात पता चलते ही जमींदार, करंट को तो रोक पाया हूँ मगर सूरज को कैसे रोकूंगा, कुछ भी कहो पढ़े लिखे वालों की बात ही अलग है, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, सोचकर तब से वो किसानों को तंग करना छोड़ दिया। सोलर वाटर पंप के द्वारा किसानों को बहुत लाभ मिला। तब से गांव में सारे किसान उस सोलर वाटर पंप का ही इस्तेमाल करने लगे। मैजिकल पेट्रोल बोरिंग पंप। वो देवगढ़ नाम का गांव है, उस गांव के पुलिस स्टेशन में SI। अरे वो कल्याण देव नाम के चोर को किसी तरह पकड़ना होगा, वो हमारे गांव आया है, ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिले हैं। उसे कैसे पकड़ेंगे सर, वो एक एक चोरी अलग अलग तरीके से करता है, वो कैसे दिखता है पता भी नहीं, आजकल तो उसके फैंस भी दिखते हैं। जी जी, चोर के भी फैंस होते हैं क्या? खैर जैसे भी हो,
किसी भी तरह उस कल्याण देव को पकड़ कर ही रहूंगा, सोचा। ऐसा ही तब उस गांव के मशहूर अमीर आदमी प्रताप राठौड़ के पास जाकर, सर आप थोड़ा होशियार रहना, वो कल्याण देव नाम का चोर हमारे ही गांव में घूम रहा है। कोई तो यहाँ आया है कहकर मुझे सतर्क रहने कह रहे हो? मैं कौन हूँ पता है ना? मेरे आसपास हमेशा 10 लोग तो रहते ही हैं। मेरा घर पर आकर चोरी करना कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी ठीक है, तुम कह रहे हो तो सोचूंगा इस बारे में, आप जाओ। पुलिस एसआई निकलते ही प्रताप के घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर गुजरी। प्रताप उस हेलीकॉप्टर को देखकर, क्यों भाई हमारे गांव में ये हेलीकॉप्टर कैसे? पता लगाओ क्या बात है, कहकर अपने आदमी को भेजा। हेलीकॉप्टर गांव के बीचों बीच लैंड हुआ। उसमें से सूट बूट पहनकर एक आलोक नाम का आदमी अपने आदमियों के साथ उतरा। आलोक तब एक आदमी से, रे इधर खोदो। वो आदमी तब ड्रिलिंग मशीन लेकर खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद वहाँ एक बोरिंग पंप लगाया। तब आलोक वो बोरिंग पंप को मारते ही पेट्रोल निकलना शुरू हुआ। इस गांव के जमीन में पेट्रोल के कुएं हैं, भर भर कर मिल सकता है। इतने में प्रताप वहां आकर, क्या हमारे गांव में पेट्रोल के कुएं हैं? हाँ, इसीलिए ये गांव को खरीदने आया हूँ। किसान को और दूसरे लोगों को उनका शेयर देकर पूरी भूमि खरीद लूंगा और फिर अपना मुनाफा देखूंगा। बाप रे, देखने में तो तुम कोई महान इंसान लगते हो। इस गांव में सारी जमीन मेरी है, मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? मेरे लिए पार्टनरशिप कोई नई बात नहीं है। जापान अफ्रीका में ऐसे कई बार करते रहता हूँ। वो क्यों? कल ही मैं सऊदी के राजा के साथ भी डील किया। मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 50 करोड़ तो डालने ही होंगे। 50 करोड़? हाँ 50 करोड़। ऐसे क्या पूछ रहे हो? महीना खत्म होते ही 10 करोड़ लाभ में ही मिलेंगे ना? ना है इस पेट्रोल का डिमांड। ठीक है, मेरी पूरी जायदाद बेचकर भी आपको मैं 50 करोड़ दूंगा, कहकर अगले दिन 50 करोड़ सूटकेस में डालकर दिया। ये लो मिस्टर प्रताप, मेरा विजिटिंग कार्ड, इसमें मेरा फोन नंबर सब है। पेट्रोल बोरिंग पंप से पेट्रोल आता ही रहेगा, इस बीच तुम उसे बेचते रहना। यूं कहकर आलोक उस हेलीकॉप्टर में चला गया। प्रताप तब अगले दिन से वो बोरिंग पंप से निकाल रहे पेट्रोल पंप को गाड़ियों में, बाइक में, कार में भरने लगा। अगले दिन ही कई लोगों ने पेट्रोल खरीदा। उस रात प्रताप, आहा अब मेरी किस्मत चमक गई, जल्दी मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कहकर नाचने लगा। अगले दिन सुबह प्रताप के घर के आगे कई लोग खड़े हुए थे। क्यों भाई, पेट्रोल कहकर हमारे गाड़ी में पानी भरोगे? तुम्हारे वजह से मेरे एग्जाम्स मिस हो गए। 7 शो सिनेमा जा रहा था तो बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई। चुपचाप हमारे पैसे हमें दे दो, यूं सब पुकारने लगे। रुकिए रुकिए, फोन करता हूँ, कहकर आलोक को फोन मिलाया। वो फोन पर, दिस फोन इज नॉट रीचेबल, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, यूं आवाज आई। प्रताप तब अच्छे से सोचकर अपने आदमियों से, रे पहले उस बोरिंग पंप को खोदो। वो बोरिंग पंप को खोदकर देखा तो उस बोरिंग पंप पर एक पाइप बांधा हुआ था। वो पाइप की ओर जाते जाते वे लोग एक पेट्रोल टैंक के पास आ पहुंचे। प्रताप उस पेट्रोल टैंक को देखकर, धोखा, बहुत बड़ा धोखा, वो आलोक ने मुझे धोखा दिया है। फिर सब मिलकर शहर गए। शहर में प्रताप अपने आदमियों के साथ उस आलोक को ढूंढने लगा। एक भिखारी के पास जाकर प्रताप, रे इस फोटो में मौजूद इंसान को देखे हो क्या? इस फोटो में जो व्यक्ति है वो मैं ही हूँ। प्रताप आलोक को देखकर दंग रह गया। रे तुम ये गेटअप में क्या कर रहे हो? रे तुम तो करोड़पति बोल रहे थे ना, परसों ही तो अरब देश में कुछ सौदा किया हो बोले थे ना। यही मेरा ओरिजिनल गेटअप है, परसों कोई आकर 1000 रुपए देकर नाटक करने बोले तो मैं कर लिया। कौन कौन है वो जो 1000 रुपए देकर नाटक करने कहा? कल्याण देव। वो बातें सुनकर प्रताप का सर चकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा।